हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं अपना घर छोड़ के निकल गई हूं अपनी श्रेया को छोड़कर। आप लोग ब्लॉग पर बने रहिएगा। मैं क्यों जा रही हूं, कहां जा रही हूं, आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। बस बने रहिए आप लोग। मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना पड़ रहा है और अपनी बच्ची को छोड़कर, उसे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था पर मेरी मजबूरी थी। और आप लोग सोच रहे होंगे कि श्रेया के साथ में कौन है, तो मैं आगे आप लोगों को बता दूंगी कि श्रेया के साथ में कौन है। अभी मेरा निकलना बहुत ज़रूरी था तो मैं सुबह सुबह निकल गई हूँ। आज सारा दिन मेरा ख़राब गया है। आगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो पर ज़रूर बताऊंगी कि क्यों मेरा दिन ख़राब गया, क्या हुआ मेरे साथ। मैं बहुत रोई थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। बाल मेरे कैसे हो गए? तो मैं जा रही हूं जबलपुर कॉलेज के काम से, यानी कि असाइनमेंट जमा करने के लिए। और भी एक काम है, बट मैं सुबह सुबह से बहुत टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और अभी भी हूँ, है ना। एक काम तो हो जाएगा बट दूसरे में प्रॉब्लम आएगी, बहुत टेंशन हो रही है। और मम्मी भी ट्रेन में बैठ चुकी हैं, करीब उनको तो एक घंटे हो गया, वो 9 बजे तक पहुंच जाएंगी श्रेया के पास। और मैं यहाँ से घर पहुंच जाऊंगी, यानी मम्मी के घर ट्रेन आने वाली है। श्रेया को छोड़कर आए, बट श्रेया बोली मम्मी आप अपना काम करके आ जाना, फ़ोन भी आया था अभी, तो मैं कल लौट आऊँगी। आप लोग देख सकते हो, मालूम है सुबह के यानी 8 बज रहा है और 8 बजे ही इतना ऐसा धूप लग रही थी कि ऐसा लग रहा था दोपहर का 3 बज रहा है। और यहाँ पर देखो कितनी सारी अनाज की बोरियाँ रखी हुई हैं, आप लोग देख सकते हो। और मेरे ब्लॉग में थोड़ा सा ना वॉइस ओवर करते समय शोर आ रहा है, तो प्लीज़ माइंड मत करना। थोड़ा सा मैं ना स्टेशन में ही वॉइस ओवर कर रही हूँ। और कल मैं आप लोगों को ज़रूर पक्का से बताऊँगी कि मेरे साथ क्या हुआ था। बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, जिस वो मेरे लिए तो बहुत बड़ी थी क्योंकि लापरवाही थी मेरी एक प्रकार से। अगर कोई भी सुनेगा तो लापरवाही समझेगा, पर वो एकदम से धोखे से हुआ है। बिना जाना बहुत ही ख़राब लग रहा है। श्रेया होती है तो कुछ ना कुछ बातें करती रहती है, पर मुझे इतना लंबा सफ़र अकेले तय करना पड़ा। पर कोई नहीं, मैं अपना काम करके रिटर्न हो जाऊंगी, ज़्यादा देर तक यानी नहीं रुकूंगी मैं। और यहाँ पर जो टिकट चेक करते हैं वो खड़े हुए थे, पर मुझसे नहीं पूछा उन्होंने टिकट के लिए। मैं आप लोग कैसे मुँह बना रही थी, मुझसे नहीं पूछा, जबकि पता नहीं क्यों नहीं पूछा। मैंने उनकी लिस्ट में मेरा नाम भी देख लिया था, मेरा नाम, और कई लोग तो वहाँ पर बिन टिकट थे तो उन लोगों को पकड़ भी लिया था। तो ये जो लोग हैं तो मैंने थोड़ा बहुत शूट कर लिया था। और ये है नर्मदा नदी, वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि जल्दी जल्दी ट्रेन चल रही थी।
बोर हो गई थी बहुत ज़्यादा, सर में दर्द हो रहा था बैठे बैठे, और अब मुझे ना यहाँ से सीधे कॉलेज जाना है, घर जाऊँगी और घर में फिर नहा धोकर और सीधे मैं कॉलेज जाऊँगी। और यहाँ पर बस मैं पहुँच चुकी हूँ, तो यहाँ पर ट्रेन स्लो हो गई थी बिल्कुल से, देखिए कैसा लग रहा है ना यहाँ पर। तो ये जौलपुर आ चुका है, तो बस कुछ देर बाद मैं उतर के घर जाऊँगी। मम्मी तो वहाँ है ही नहीं, मम्मी मुझे मिली थी बीच रास्ते में, उनकी ट्रेन, उन्होंने हाय हेलो भी किया था, बट हम लोग अपनी अपनी ट्रेन के अंदर थे। और यहाँ बस हम पहुँच चुके हैं, और ये जो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और मेरे वीडियो को प्लीज़ सपोर्ट करिए, थोड़ा सा मेरी हेल्प करिए। मैं इसलिए हंसी, यहाँ पर मैं वीडियो शूट करी थी ना, पीछे से वो भैया मुझे देख रहे थे इसलिए मुझे हंसी आ गई थी, क्योंकि मैं वीडियो शूट करती तो मुझे लगता है यार सब लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या कर रही है। अब आप लोग बोलोगे कि सुहाना को कोई लेने तो नहीं आया है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि भैया ने कहा था कि कितने बजे तक आओगे, हम आ जाएंगे, तो हमने बोला नहीं रहने दो मत आना, मैं खुद आ जाऊँगी। तो बस मैं यहाँ से बाहर निकल के ही घर जाऊँगी, घर से रेडी होकर, और फिर मैं कॉलेज जाऊँगी, क्योंकि आज की डेट है असाइनमेंट जमा करने की। मेरे साथ बुरा तो हुआ, पर मेरे साथ फिर एक जादू भी हुआ। मैं रो रही थी ना, तो मेरे यानी मुझे ऐसा लगा कि एक जादू सा हुआ है, किसी ने मुझे ऐसे रोते हुए कोई नहीं देखना चाहता है, जो कि है शुक्ला जी, उन्होंने एक जादू सा किया, और जिस प्रॉब्लम में फंसी हुई थी उससे मैं निकल गई। यहाँ पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि ना इसमें वॉइस आई नहीं है ब्लूटूथ के कारण, शायद ईयरफोन लगा था इस कारण नहीं आई है। तो अब मैं ऑटो में बैठूंगी और मिलूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, जिससे मेरे आगे के वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलेंगे। और समय पर कब मिलेंगे, जब आप बेल आइकन प्रेस करके सब्सक्राइब करेंगे। तो चलो मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।